गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं सेंड किए, वो आपको सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर्स, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और आपको अपने नोटबुक में लिखना है लेसन नंबर फर्स्ट के, देन लेसन नंबर सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। Plants grow on mountain slope, on ocean beds, in desert, in river, village. In fact, they grow almost everywhere. हम सभी को पता है कि हमारे आसपास क्या है, प्लांट्स है, और जो प्लांट्स है वो सभी जगह पर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, विलेरिया हो, जो माउंटेन स्लोप्स है वहाँ पर हो, या ओशियंस के बेड्स हो, ठीक है, सभी जगह पर प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। इन प्लांट डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेयर दे ग्रो। यानी जो प्लांट है वो हर जगह के कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। इन्हें वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उस जगह के क्लाइमेट पे। इन्हें हर जगह पर एक ही जैसे पेड़ नहीं पाए जाते, हर क्लाइमेट के हिसाब से जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होती है, वो कैसे रहते हैं, डिफरेंट। यानी डिफरेंट जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं। लेट्स अस रीड अबाउट देम। देन सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट। सबसे पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड। यानी जो टेरेस्ट्रियल जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है लैंड, यानी लैंड पर उगने वाले प्लांट्स। देन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये डेफिनेशन है किसका, टेरेस्ट्रियल प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट है इन हिली एरिया वेयर इट जनरली कोल्ड ट्री आर टॉल एंड स्ट्रेट। यानी जो हिली एरियाज होती है वहाँ पे ग्रो होने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो लंबे होते हैं और बहुत लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, यानी टेढ़े मेढ़े नहीं होते, स्ट्रेट जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं हिली एरियाज के। दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स। और उन वो जो ट्रीज होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो निडल जैसे होते हैं, निडल में सुई जैसे होते हैं लीव्स उसके। देन इंस्टेंट ऑफ फ्लावर्स दीज ट्री बियर कॉन्स, ठीक है। और वहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके उनमें क्या होते हैं, इन्हें फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर्स उसमें डेवलप नहीं होते, उसमें से इंस्टेंट फ्लावर डेवलप होते हैं। और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें उसमें आने वाला जो फ्रूट्स होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स, ठीक है। लाइक साइकस प्लांट आपने देखे होंगे, आपके घर में अगर गार्डन होगा या किसी गार्डन में घूमने गए होंगे तो आपने साइकस का प्लांट देखे होंगे। और वो जो साइकस का प्लांट है वही सबसे ज़्यादा हिली एरियाज में पाए जाते हैं, पाइन के प्लांट्स होते हैं। आप कहीं पे घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा, इंस्टेड ऑफ सॉरी फर एंड द सीडर और आर कम सच ट्री स्रॉप्स ट्री आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। यानी जो डॉडर है, जो प्लांट होता है वो अलग जो क्लाइमेट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ट्रीज होते हैं जो हर क्लाइमेट के हिसाब से क्या होते हैं, वहाँ पर ग्रो होते हैं। इन अ प्लेन्स यानी जो प्लेन जगह होती है उसके बारे में, ट्री हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज। यानी जो प्लेन जगह पर उगने वाले जो ट्रीज होते हैं उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे टहनियाँ वहाँ डेवलप होती है। दीज ट्री कैन बियर द हीट बट शेड देयर लीव ड्यूरिंग विंटर
मैंगो, यानी जो ट्रीज होती है वो बहुत सारे लीव्स, यानी बहुत सारे टहनियाँ होंगी तो लीव्स भी कैसे होंगे, गुच्छे में होते हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं। मैंगो, सीसम, पीपल, बनियान एंड साल आर सम सच ट्रीज, यानी ये कुछ ट्रीज के एग्जांपल दिए गए हैं जो कैसे होते हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं इसमें और बहुत सारे पत्ते क्या होते हैं इसमें ग्रो होते हैं, उनके लीव्स बहुत सारे होते हैं। इन हॉट, यानी गर्म गर्म जगह पर, किस तरह के जो गर्म जगह है और जो डैम्प एरियाज है वहाँ पर रहने वाले जो ट्रीज होते हैं, ग्रो होने वाले ट्री कैसे होते, द हॉट एंड डैम्प एरिया ट्री हैव लॉट ऑफ लीव्स, यानी जो हॉट और डैम्प एरिया के जो ट्रीज होते हैं उसमें बहुत सारे लीव्स डेवलप होते हैं, बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, लेकिन वो विंटर सीजन में उनका जो शेड है वो नहीं होता, नहीं बनता, दे रिमेन एवर ग्रीन, यानी वो हमेशा कैसे रहते हैं ग्रीन, यानी हमेशा, यानी कभी भी उसके जो लीव्स है वो झड़ते नहीं, वो हमेशा एवर ग्रीन है। एक टहनी पे लीव्स आई तो फिर दूसरे टहनी पे, फिर से दूसरे, यानी कंटिन्यूसली ये प्रोसेस कैसा होता है, चलते रहता है, इसलिए उसको एवर ग्रीन प्लांट कहा गया है। देन सम प्लांट दैट ग्रो इन सच प्लेस आर द टेक, कोकोनट, पीपल, रबर, टी, कॉफी, शुगर, राइस एंड कॉटन, ये सभी एग्जाम्पल है हॉट और डैम्प एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट्स के। देन नेक्स्ट है डेजर्ट, मोस्ट प्लांट ग्रो विदाउट लीव्स, यानी बहुत सारे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं उनमें लीव्स अब्सेंट होता है या ज़्यादा ग्रो नहीं होता। कैक्टस इन इस वन सच प्लांट, यानी उनमें से एक कैक्टस है जिसमें लीव्स नहीं डेवलप होते, लेकिन नीडल्स बहुत सारे डेवलप होते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी लीव्स की जगह पे क्या डेवलप होते हैं, स्पाइंस मींस उसके नीडल्स, यानी जो काटेदार आपको दिखाई देता है कैक्टस, वो लीव्स की जगह क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। स्पाइन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, यानी जो स्पाइन है उसके मदद से प्लांट का जो वाटर है वो लॉस होने से क्या होता है, बच जाता है। हाउ डू दिस प्लांट मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, लेकिन हमने पढ़े है कि जो प्लांट का लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो इस समय जब कैक्टस के प्लांट में लीव्स अब्सेंट है तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। द ग्रीन फ्रेशेस्ट स्टेम ऑफ सच प्लांट कंटेन क्लोरोफिल, हमने कैक्टस का प्लांट देखे है जो उसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है और थिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है, जिसमें क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और उसी की मदद से यानी स्टेम में ही वो प्रोसेस क्या होता है, शुरू हो जाता है, उसमें पोर्स भी होते हैं जिससे वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। देन क्लोरोफिल एंड मेक फूड, इट आल्सो स्टोर वाटर, यानी वो वाटर को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है कहाँ पर, अपने स्टेम में। देन नेक्स्ट है इन मार्शी एरिया द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले, यानी जो मार्शी एरिया होता है वहाँ की जो सॉइल होती है वो स्टिकी और क्ले होता है। द प्लांट दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड द मैंग्रोव्स, दिस रूट डू नॉट गेट एयर एंड द सॉइल इज कन्वर्टेड विथ वाटर, यानी जो मार्शी जो एरिया होते हैं वहाँ पे ग्रो होने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो रूट्स होते हैं वो नहीं होते, और वो कैसे कवर्ड, यानी प्लांट क्या करता है, प्लांट ही वाटर को कवर्ड करके एब्जॉर्ब करता है, सो द रूट्स ग्रो आउट द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ, यानी वाटर में से ही वो ऑक्सीजन को लेकर क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड द ब्रीथिंग रूट्स, और उसमें कुछ रूट्स भी डेवलप होते हैं जो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, और इसीलिए उन रूट्स का नाम क्या बताया गया है, ब्रीथिंग रूट्स।
नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको कुछ होमवर्क है जो आपको लिखना है, डेफिनेशन। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल, राइट, डेफिनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल की डेफिनेशन लिखना है आपको आपकी नोटबुक में।